का पिस्टल छीनने की कोशिश, पुलिस वालों का भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हैं कि फायरिंग हो, मतलब पिस्टल छीनने को रही पत्थर मारे जिससे तोड़ दिए लाठी बजाई। हमें तो मौका भाई कर देते तो हरकत कर रहे हैं, इनको दे देंगे इनके खिलाफ जहाँ के जो लोकल के लोग हैं वही करते तो उन्हीं को हमने बताया। वो तो बीजेपी का कोई विधायक जिला के बीजेपी का विधायक है उसने भी तो क्या कितना नुकसान हो गया सरकार अभी तो देखे नहीं, हम तो आगे आ गए थे तो गाड़ियाँ बता देंगे वे फिर वहाँ पर ये लोकल के लोग एक कर रहे हैं। तो कोई सर क्या इसमें हाथापाई इसकी हो जाएगी? हाँ हाथापाई हुई तो मारपीट करी हो तो चोट लग रही है, ये रास्ते में चोट लग रही है। अरविंद को बुलाइए लाठिया लग अरविंद हाँ साई काम तो सही करें जब करें। आगे तो आंदोलन चलेगा ही है, ये केड़ा होगा आंदोलन चलेगा? देखो जब तक कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, इस पे कमेटी नहीं बनती, क्योंकि तो कानून ये तीन थोड़ा है, कानून तो ये होड़ले का है, अगर ये नहीं रोके गए तो इस साल में पूरे देश को बेच देंगे ये, और किसान को तो ऐसा बांध देंगे कि किसान तो चसकड़ेगा ही नहीं। और सर आप बाम सुनने आए हैं पहली बार? हाँ लोगों के लिए तो ये है कि भाई टैक्स लगवा लो पर आंदोलन तेज होगा। हाँ सांसद तो कब कुछ करने की तैयारी करेंगे? करेंगे वहाँ पे भी फसल तो बेचेंगे अपनी, प्रधानमंत्री ने कह रखा हमें क्या जाहिर थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो वो तो भाई बढ़िया मंडी पार्लियामेंट की लगी, उससे बढ़िया मंडी हो ही नहीं सकती। एक काउंटर तो खुलना अडानी का, वहां से ट्रक लग जाएंगे तुलते रहेंगे और वहां जाते रहेंगे, धर्मकांटे की पर्ची चल जाएगी, धर्मकांटे पर तोल लेंगे, वहां आएंगे खाली होगा, लोडिंग और अनलोडिंग तो हो जाती है। आगे की रणनीति कैसी रहेगी? रणनीति ठीक रहेगी, आंदोलन चलेगा, ये लंबा चलेगा अभी आंदोलन, उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में जाकर समझौता होगा, 8 महीने और चलेगा अभी, 1.5 से 2 साल तक के लिए अभी स्थगित नहीं कर दिया गया वो तो आ जाएगा डेढ़, 1 साल तो हो लिया, 6 महीने तो रहेगा, उसमें 6 महीने आंदोलन नहीं चला देंगे क्या, फिर घर से आकर वापसी आते फिर। सर भीषण गर्मी इसको लेकर हाँ गर्मी हो रही, यहाँ गर्मी लगी आपको, इनकी सैलरियां बढ़ेगी, इनका मकान दुकान ठीक होगा इनका, तो ये भी अपने बालकों को पढ़ा लेंगे, 2 रुपया इनके भी पास में हो जाएगा, ये कोई आंदोलन तो कर नहीं सकते, लेकिन इनकी आवाज भी हम उठाएंगे, इनकी आवाज भी। तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, खासकर के जो नौजवान है, 2021 का जो साल है वो आंदोलन का साल है, 2021 में अगर नौजवान सोएगा तो ये देश बिकेगा, और नौजवान जागेगा तो ये देश बचेगा। फैसला देश के नौजवान को करना है, उसको जागना है, उसको आंदोलन करना है, उसको ट्रैक्टर चलाना सीखना है, ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है, ये याद रखना, इस पर बम्पर लगवाओ बड़े बड़े, यही तो तोड़ेगा जो शाहजहांपुर पे आगे बड़े बड़े पत्थर रखे 20-20 क्विंटल के, कोई हाथों से नहीं हटेगा वो। जब राजस्थान का किसान अपनी फसल को बेचने हरियाणा के अंदर जाएगा, वहां पर बेचेगा, एमएसपी में बेचेगा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि फसल को मंडी के बाहर आप कहीं पे भी बेचो, अगर पुलिस के लोग रोकेंगे तो थानों में बिकेगी। सेल टैक्स इनकम टैक्स के लोग रोकेंगे तो उनके ऑफिस में बिकेगी, पुलिस प्रशासन प्रशासन के लोग रुक करें तो एसडीएम और डीएम के यहां बिकेगी, विधानसभा में बिकेगी, कह रहे कि पार्लियामेंट में तो बड़ा बिकनी है, अडानी का काउंटर ही तो लगना है, ये तो कहा नहीं प्रधानमंत्री ने कि पार्लियामेंट में नहीं बिकेगी, उसने कहा कि मंडी के बाहर जहां पे भी बिकेगी वहां पर अपनी फसल को बेचो, तो हमको तो पता है कि विधानसभा में बढ़िया रेट मिलेगा, ये बिकेगी। ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर से अपने किसानों को बेचो, उसको कम से कम तजर्बा भी तो हो जाए ना कि मैं अपनी गेहूं की फसल को लेकर जा रहा हूं या वहां पर बिखरी के अपना बाजरे को लेकर जा रहा हूं, किसानों को एमएसपी का रेट ही नहीं पता, ये बताना पड़ेगा, उसके उसके रेट लिखने पड़ेंगे,
जितने भी हमारे बॉर्डर लग रहे हैं उस पर पक्के उस पर रेट लिखो, डीएम के वहां पर लिखो रेट, थानों के बाहर लिखो, अपने बोर्ड बनवा बनवा के कौन सी फसल का क्या क्या रेट है, दूध पे भी एमएसपी हो, जो हमारी फसल जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, उसके ऊपर भी रेट हो। तो ये पॉलिसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने क्या दे दिए कि आपको ये लगा के 6,000 रुपए दे रहे जी, 6,000 रुपए मिल रहे। अरे 40 क्विंटल गेहूं हुआ, 1,000 रुपए क्विंटल उसमें से काट लिया बाजरे में से गेहूं से, आपके 40,000 काट गए और 6,000 दे दिए, 34,000 तो पीएम केयर पीएम फंड में गए। उसका हिसाब नहीं रख रहा कि मेरी फसल कितने में बिकी, मतलब घुमा फिरा के 6 ले लिए, 34 रख लिए। ये हिसाब लगाना सीख लो, जब हिसाब लगाना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम भी यहाँ पर हो गया, आप लोग बैठे हुए हैं और जो मिट्टी लेके मिट्टी का एक जो आंदोलन चल रहा है, बहुत दिन से हम लगे थे कि जब आंदोलन में जाओ तो अपने खेत की मिट्टी लेके आंदोलन में जाओ।